नहीं तो वो दिन आएगा कि जमीन में दफन हो जाओगे, कोई नाम लेने वाला आपको नहीं मिलेगा। नफरत मत फैलाओ। 9% आबादी यादव की, 20% मुसलमान की, ये बाजा बजाओ। अपने बयानों से अक्सर चर्चाओं में बने रहने वाले ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से चर्चाओं में राज कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने मंच से ही ऐसा बयान दिया कि हर तरफ चर्चा तेज हो गई। श्रावस्ती के इकोना के बीरपुर में सुभासपा अध्यक्ष राजभर ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था। इसी दौरान अपने संबोधन में राजभर ने कहा, समाजवादी पार्टी बीएसपी और कांग्रेस ने मुसलमानों का इतना विकास किया कि अब 1% मुसलमान भी नौकरी में नहीं है। ये बाजा बजावत है। हम तो अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूँ कि देखो, कांग्रेस का विकास करती है। जब आजादी के बाद नौकरियों में 38% थे और कांग्रेस ने कितना विकास किया, फिर आपका विकास का ठीका लिया बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने विकास किया, फिर ठीका लिया समाजवादी पार्टी, फिर उन्होंने विकास किया, तीनों मिलकर के इतना विकास कर दिए कि आज नौकरियों में 1% नहीं हो, यही तेजी प्रगति का कारण है। ये नफरत फैलाने वाले लोग, आप नफरत मत फैलाओ, नहीं तो वो दिन आएगा कि जमीन में दफन हो जाओगे, कोई नाम लेने वाला आपको नहीं मिलेगा। नफरत मत फैलाओ। विकास का काम हो रहा है, विकास की उसमें सहयोग करो। हम तो यही कहेंगे, 9% आबादी यादव की, 20% मुसलमान की, ये बाजा बजावट है। बजावट जब बाजा ओम प्रकाश राजभर, हम नहीं करते मेरे साथ आओ, मैं नहीं कहता बीजेपी के साथ जाओ, लेकिन देखो पिछली सरकारें जो थी और बीजेपी की सरकार, हम सरकार की बड़ाई की बात नहीं करता हूँ। आप बताओ, किसान सम्मान निधि, पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस का बयान था कि मैं दिल्ली से 100 रुपया भेजता हूँ तो 15 रुपया गांव में जाता है। अब क्या हो रहा है, 100 का 100 सीधे खाता में जाता है। किसान सम्मान निधि, बताओ बिचौलिया कोई है बीच में, वो 6,000 रुपया सीधे तेरे खाते में जा रहा है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा सरकार की तमाम योजनाओं का भी बखान किया और कहा कि 2024 में सुभासपा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और एनडीए की जीत का दावा भी कर दिया। तो यानी जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ रहा है, यूपी की राजनीति और भी तेज होती जा रही है। अब एक ही मंच पर ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी सभी को एक साथ आड़े हाथों ले लिया। अब इस बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। श्रावस्ती से पंकज वर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।